HTML पैराग्राफ, हम पैराग्राफ टैग देखेंगे। पैराग्राफ टैग में एक्चुअली ब्राउज़र जो होता है वो ऑटोमेटिकली कुछ मार्जिन छोड़ता है पहले और लास्ट में, तो हमें उसके लिए कुछ अलग मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हम ये पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं और डाल देते हैं, तो ये हाँ ये देखिए, अभी यहाँ हमने एक पैराग्राफ पेस्ट किया। मैं उसके तीन पार्ट में उसको डिवाइड कर लेता हूँ, तीन लाइन में, हम एग्जांपल के ले रहे हैं, तीन लाइन में डिवाइड किया उसको मैंने। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, तो ये एक्चुअली अभी दो लाइन में आ गए। अभी ये रिजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, कितना बड़ा रिजोल्यूशन है उसके ऊपर से। अभी यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कुछ, हाँ ये देखिए यहाँ पे वो अपने आप पेस उसने ऐड कर दिया। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कुछ एडिशनल पेस वगैरह मत छोड़िए, और ध्यान रखिए कि ये कोई भी टैग है वो आप प्रॉपर ये कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो। और इसमें कुछ एडिशनल पेसेस मत छोड़िएगा ताकि वो अपने आप रिमूव कर लेता है। अभी जैसे कि आपको कोई पोएम प्रिंट करना है, तो हाँ तो वो पोएम प्रिंट करना है तो आप यहाँ ये बी आर टैग करके भी नेक्स्ट लाइन पे ले सकते हैं। जैसे कि देखो अभी हमने बी आर टैग क्लिक किया, वो लाइन ब्रेक किया वहाँ से हमने, तो वो तीन लाइन में प्रिंट हो गया। या आपको कुछ पोएम वगैरह है वो जैसे आपने लिखी है वैसे ही करना है विदाउट बी आर टैग किए हुए, तो हमारे यहाँ पी आर ई एक टैग है वो प्रीडिफाइन है, तो वो यूज किया तो वो आप जिस जितने लाइन्स वहाँ देते हो डिफॉल्ट वो वैसे जैसे लिखती हो वैसे ही वो वहाँ प्रिंट कर देता है। देखिए यहाँ पे आपने जैसे लिखा है वैसे प्रिंट हुआ है और वो प्रीडिफाइन है, तो उसके लिए आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी किया, पहले पी टैग स्टडी किया, उसके बाद हमने बी आर टैग स्टडी किया, और उसके बाद पी आर ई, ये प्रीडिफाइन होता है, वो एक टैग उसका फॉर्मेटिंग प्रीडिफाइन होता है, ये पहले से डिफाइन होता है, वो आप चेंज नहीं कर सकते।